व्हाट्स अप गाइस, फाइनली देवरा मूवी रिलीज हो चुकी है, उसका रिव्यू लेके आए हैं बीएनएफ टीवी पर भाई। तो देखते हैं जानवी कपूर को नहाते देख लो भाई, ये क्या है रिव्यू में टाइटल में, देखते पूरी वीडियो भाई। जिसने देख ली है आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। 1 2 3 गो। जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। तुमको अगर नहीं पता तो ये वही है जो लास्ट आरआरआर में दिखे थे, नाटू नाटू किया था, शेर के साथ रेस लगाई थी एकदम कड़क। उनके बाद डायरेक्टली ये उनकी नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मूवी है, लेकिन जितना पैसा प्रोडक्शन वीएफएक्स म्यूजिक एक्टिंग पे खर्चा किया है, काश उसका एक फ्रैक्शन स्टोरी पे भी कर देते मजा आ जाता, क्योंकि ये मूवी काफी टाइम से रिलीज होगी, रिलीज होने ही वाली ऐसा लग रहा था। इसका जब पहला टीजर आया था, जिस स्केल पे इमेजिन किया है वो जरूर इंप्रेसिव था, अंदाजा लग रहा था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन वीएफएक्स वगैरह बीच वाले जो शॉट्स हैं नॉट दैट इंप्रेसिव। मूवी को डिले कर करके वो तो उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन इसके शुरुआत के 5 मिनट देखने के बाद ही जो पहला थॉट मेरे माइंड में आया कि यार ये लोग शायद एक उस फॉर्मूले पे पिक्चर बना रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक बहुत बड़ी मूवी आई थी कुछ 5-7 साल पहले, ट्रेंड सेट कर दिया कहानी बताने का, जिसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स अपने को दिख गए अलग अलग मूवीज अलग अलग फ्रेंचाइज में। समझने की कोशिश कर रहे हो तो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करना। बताओ कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ? कुछ नन्हे मुन्ने बालक जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देवरा मूवी स्टोरी क्या है, छोटा सा अंदाजा। शुरुआत होती है पुलिस हाई कमांड में कोई एक मिनिस्टर वगैरह आया हुआ है, वो आके सबको रेड में लेता है कि भाई इतनी गुंडागर्दी ये सब हो गया है उसको ढूंढ के लाओ, फलाना कोई खतरनाक आदमी है, फॉर एग्जाम्पल लेट से उसका नाम बादल है, पकड़ के लाओ। पुलिस वालों की एक टीम उसको पकड़ने के लिए जाती है और ढूंढते ढूंढते एक लोकेशन पे पहुंचती है जहाँ पे उनको कहानी बताने के लिए प्रकाश राज का कैरेक्टर मिलता है, और फिर उसके आगे वो पूरी कहानी बता रहा है पास्ट की, जिसके फ्लैशबैक के फ्लैशबैक में जाते हैं हम लोग कि कैसे इस आइलैंड पे लोगों का ग्रुप रहता है और उनका एक लीडर है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, काफी ज्यादा ताकतवर, उसूलों का एकदम पक्का, गरीबों का मसीहा, एकदम दिलदार, सबकी मदद करने वाला, किसी भी भले इंसान के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, भले ही उसको अपने ही लोगों को पीटना पड़े, जो कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है देवरा। इनके साथ ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि लिए उतना सही नहीं है, उसको चाहिए पैसा, जिसके लिए अगर किसी ऑफिसर को भी मारना हो तो मार देगा, प्लेड बाय सैफ अली खान। फिर हम लोग देखते हैं कि इसी देवरा का एक बेटा भी है वरा, जो कि सेम जूनियर एनटीआर जैसा दिखता है, और पिक्चर जब खत्म होगी तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तुम्हारे सामने फेंक के मारने की कोशिश करेंगे कि उसको देख के तुम क्वेश्चन करो कि भाई क्यों किया। यू नो जिस ओरिजिनल मूवी की मैं बात कर रहा था ट्रेंड सेटर सब उसको फॉलो करने लगे, उसको देखने के बाद भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्यों मारा, डैश डैश ने उसको क्यों मारा, मतलब भाई इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं बाहुबली के साथ। एट दिस पॉइंट आई फील कि इस बेसिक स्ट्रक्चर पे जितने भी वेरिएशन हम लोग देख सकते थे सब दिखा दिए, और इसकी स्टोरी को लेके मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ, मूवी की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है। लेकिन इससे पहले कि कुछ फैंस आके मेरे ऊपर चढ़ जाए, देखो अच्छी बातें भी हैं मेंशन करने की बारी चालू। सबसे पहले जूनियर एनटीआर, उनका काम अच्छा जरूर लगा, डबल रोल करते हैं, लुक में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन अपने आपको कैमरे के सामने प्रेजेंट करना कि देख कर लगे भाई ये कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है, स्क्रीन प्रेजेंस की बात कर लो ही नेल्ड। कुछ कुछ सीन्स में जहाँ इमोशनल इंपैक्ट जरूरी था वो उनके चेहरे पे दिखा दी, एंड आई फील कि एक्शन वाले सीक्वेंसेस भी उन्होंने अच्छे से हैंडल कर लिए। इनके बाद आ जाते हैं ऐसे एक्टर के ऊपर जिनको तुम सेकंड मोस्ट नोटिस करोगे, नोटिस करने के लिस्ट में सेकंड नंबर पे, सैफ अली खान। देवरा जैसे फिगर को टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो है, ये बिलीव करवाना, स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो बहुत सही लगता है। आई विश सेकंड हाफ में ट्रीटमेंट थोड़ी बेटर मिली होती, लेकिन मैंने जो बात बोला ध्यान से सुना अगर तुमने, कि वो सेकंड मोस्ट है नोटिस करने में, सबसे ऊपर नंबर एक पे एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा एक्टर जिनका स्क्रीन टाइम मुश्किल से 15-20 मिनट होगा, वो भी डायरेक्ट सेकंड हाफ में आती हैं और अपने पहले 5 मिनट में ही 2 बार कपड़े उतारे हैं, इंट्रोडक्शन ही सीधा नहाने वाले सीन से। मैं बात कर रहा हूँ जानवी कपूर की। फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें काम कर रही है, जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, थोड़ी बहुत डिसेंट सी स्टोरी, एक्शन, वीएफएक्स, फराना डिम का। सेकंड हाफ जितना भी काम किया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग, जानवी कपूर और उनके 2 थिंग्स। सालो वरा को एक्शन करते हुए जो एक ऐसा रिएक्शन दिया रहा हूँ मैं, बोला भाई देखते ही ऑर्गेजम आ गया क्या, आई डोंट नो इंटेंशन था कि नहीं, लेकिन उसको देखते ही जो हंसी आई मैं साइड में देख रहा हूँ मोहित और पीजो की, इट रियली डिड जस्ट हैपन। और दूसरी चीज, सब लोग मेजमराइज हो गए थे जब उनका एक गाना आता है, इकलौता गाना आता है, और जब वो खत्म हुआ तो एक अंदर से लगा कि यार क्यों एक बार और चला दो, मेरे पैसे अगर पिक्चर से वसूल हुए तो एकदम दिल खोल के बोलता हूँ कि उनके कारण, यस, क्योंकि एक बार उनका ये गाना खत्म हो गया और मूवी ने लव स्टोरी पे इनफ टाइम दे दिया, साइड में कर देते हैं, वेरी बैड थिंग। और उसके बाद अपने बुलेट पॉइंट्स को मूवी जिस तरीके से स्किप करती है, कूद कूद के भाई ये हो गया वो हो गया, 15-15 सेकंड के सीन्स रख रहे हैं बस, जंप कर रहे हैं ताकि वो एंड वाले कंक्लूजन तक पहुंच सके। एक वो होता है ना कि तुम सीट पे अपने हिलने लगते हो कि अरे यार ठीक है
चलो चलो जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलने का। और इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मूवी के अंदर ऐसे काफी सारे सीन्स हैं, तो मैं से कुछ लोग गाली दे सकते हो लेकिन पॉइंट करना पड़ेगा। बहुत सारे मीम बनाए जाते हैं ना टाइप कास्ट करके कि साउथ की मूवीज में तो ऐसे सीन होते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे को हाइप कर रहा है कि गरीबों का मसीहा है वो, फिर उसमें हीरो स्टाइल में चल के आते हुए दूसरों का दुख नहीं देख सकता तो वो रो रहा है और सब उसको देवता की तरह पूज रहे हैं। तो ये मोमेंट्स और साथ में कुछ ऐसे भी थे जो कि काफी मेलो ड्रामेटिक हो गए। वो तो देखा होगा एक नी वाला हमको भी खिला दो टीनी, मतलब उतना नहीं जाता बट फील हो जाता है कि भाई भाई। लेकिन फिर भी देवरा पार्ट वन ये 3 घंटे की मूवी मैंने देखकर खत्म करी, क्योंकि जो एक्शन वाले सीक्वेंसेस थे उनके अंदर इतना दम था कि अटेंशन बांध के रखा। कुछ इंटरेस्टिंग तो हो रहा है, मारा मारी काटा काटी और शार्क को घोड़ा बना के राइड करना, इनको साइड में रख दे तो कुछ चेस वाले सीक्वेंसेस भी हैं। शिप पर से कंटेनर चुराने वाला पूरा ले लो, एक वो एंटिसिपेशन और थोड़ा सा टेंशन जरूर बिल्ड कर देता है कि हाँ दिस इज गुड। इसके अलावा अनिरुद्ध का म्यूजिक काफी बढ़िया, ट्रेलर से जितना अंदाजा आ रहा था बेटर देन एक्सपेक्टेड। गाने जब एकदम से आ जाते तो आपको लगता है कि चलो ब्रेक ले सकते हैं, फोन निकाल के देख लीजिएगा, नहीं डांस चल रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा है तो देख लो। तो ये सारी कुछ कुछ अच्छी बातें मूवी के अंदर तुमको ऐसे छिड़की हुई दिख जाएंगी, जिसके कारण अगर तुम साउथ की वो मसाला मूवीज के फैन हो, तुमको पसंद है देखना, तो इसको एक बार थिएटर में देख सकते हो जरूर। क्योंकि जब भी बात या सीन्स पानी के ऊपर जाते हैं, एक्शन ले लो शिप वाला ले लो, मूवी का स्केल काफी बड़ा हो जाता है और उसके इफेक्ट्स काफी अच्छा बोलूंगा मैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार दिस इज नॉट गुड, यहाँ कमी रह गई या नकली लग रहा है। अगर खराब होता है तो सब लोग गाली देते हैं, यहाँ अच्छा है तो तारीफ करनी पड़ेगी। और जो मास मोमेंट्स थोड़ा मेलोड्रामेटिक या फिर टिपिकल सीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर तुमको पसंद है तो है, जाके देखना है तो देख सकते हो। मुझे पर्सनली ये बेयरली वन टाइम वॉच लगी, क्योंकि ऊपर की जो चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी उसके कारण मूवी निकल तो जाती है, लेकिन जब इसके बारे में सोचने जाओ तो कोर लेवल पे स्टोरी और वही पार्ट वन पार्ट टू में काट के करने वाला झंझट ऐसा हो जाता है ना कि मूवी जिस पॉइंट पे चालू हुई है, मैंने तुमको पूरा ओपनिंग सीक्वेंस बताया डिटेल में, कोई मिनिस्टर वगैरह आता है पुलिस को भेजता है जाके बादल को पकड़ के लाओ एक डॉन, वो पहले 15 मिनट निकलने के बाद बाकी की पूरी 2.5 घंटे से ज्यादा की पिक्चर में कहीं जिक्र है ही नहीं, बादल द डॉन का कुछ है ही नहीं। जिस पॉइंट पे तुम्हारी पिक्चर चालू हुई है वो कब दिखेगा पार्ट टू में। जूनियर एनटीआर को एक फिजिकल एक्शन करते हुए हमने काफी अच्छी तरीके से देखा आरआरआर के अंदर, और उसके साथ इसका डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं है बट वो एक्टर हैं एंड ही डज वेल, लेकिन ये मूवी उनके रेपुटेशन या काम को ऊपर ले जाने का काम तो डेफिनेटली नहीं करती। जानवी कपूर को देखने में मजा जरूर आया। अगर हम सम अप करें कि जो रिव्यू निकल के आया तो ये है कि मूवी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लेकिन एक वॉचेबल मूवी है, और अगर इस रिव्यू को मैं पॉइंट्स में अगर डिस्क्राइब करूं मे बी स्टार्स में तो 2.5 या 3 स्टार आप दे सकते हो, लेकिन हाँ बुरी नहीं है मूवी। इनका तो काम है क्रिटिसाइज करना अगर, क्योंकि ये मूवीज देखते रहते हैं हर एक चीज है तो बारीकी से बताना, लेकिन अगर एक सिर्फ एक बंदा एक फैन है या जिसको मूवी एंजॉय करनी तो मेरे हिसाब से मूवी अच्छी लग रही है। हाँ बस वो बता दिया कि मोटा मोटी आपको एक चीज समझ आ गई, क्योंकि स्टोरी में आप कुछ वैसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन हाँ भाई लेकिन ट्रेलर देख के और जो भाई ने खुद भी पॉइंट्स बताया कि एक्शन वाले हो गए, समुद्र वाले सीन हो गए वो मस्त है, जानवी कपूर जब एंट्री होते लव स्टोरी वाला हल्का सा एंगल अच्छा है, तो ओवरऑल बात करते हो तो भाई ऐसी ऐसी मूवी लोग देखने चल जाते हैं सिनेमा में जिनका कोई सर पैर नहीं होता, तो ये तो उनसे बहुत बेटर लगी मुझे जो रिव्यू से मैं निकाल के निचोड़ पाया हूँ। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो और देख लिया या तो पॉइंट बताना जरूर, और जानवी कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस कैसी लगी, और दूसरा अनिरुद्ध का म्यूजिक तो भाई देखो नो डाउट आपको सर पे चढ़ जाता है बढ़िया तरीके से। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।